और इसी के साथ ही आपको बताएं कि राज्य में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब राज्य में कोरोना कंट्रोल में आ गया था तो मरीज कैसे बढ़ रहे हैं, क्या मुसाफिर लेकर आ रहे हैं कोरोना, और इस पर क्या है सरकार की नीति, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, क्या मुसाफिर लेकर आ रहे हैं कोरोना, क्या बाहर से आने वालों पर रहेगी कड़ी नजर, आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं पकड़ पा रहा संक्रमण, अस्पतालों में पहले की तुलना में बढ़ गई सुविधाएं। पिछले एक सप्ताह से झारखंड के आंकड़े एक बार फिर बढ़ोतरी के संकेत दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग हर स्थिति के लिए तैयार है, जांच की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। विशेष रूप से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसी जगहों पर जांच की व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का कहना है कि बाहर से आने वाले लोग अपने साथ संक्रमण लेकर आ रहे हैं, उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों की जो बात हो रही थी कि तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित होंगे, उसे लेकर भी हम लोग काफी सतर्क हैं, ताकि इस प्रकार की यदि कोई वेव आने की संभावना बनती है तो उसे हम वहीं पर समाप्त कर सके। टेस्टिंग चल रही है, काफ़ी तेज़ी से टेस्टिंग चल रही है, और इसे हमने और फोकस किया है कि हमारे हवाई अड्डे, रेलवे के जो स्टेशन्स हैं जहाँ पे लोग आते हैं, और रोड्स के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी हम काफ़ी अधिक संख्या में टेस्टिंग करा रहे हैं, जिससे और अधिक यात्रियों के लिहाज से सुगम बनाएंगे, ताकि यात्रियों को कम से कम कष्ट हो। स्वास्थ्य विभाग ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भरपूर तैयारी की है। अब अधिकांश सदर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया है, दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग और नई नियुक्ति भी सुनिश्चित की गई है। मतलब ये कि अब स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से काफी बेहतर स्थिति में है। केसेस जो बढ़ रहे हैं वो बेसिकली बाहर से जो लोग आ रहे हैं वही केसेस अपने साथ लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बाहर से आने वालों की टेस्टिंग करें, क्योंकि केसेस की जो हमारे राज्य के अंदर जो केसेस थे उनकी संख्या तो घट करके प्रतिदिन हम लोग 19 तक गए हैं, कि एक दिन में मात्र 19 समय कोविड पॉजिटिव मिले हैं। लेकिन जब बाहर से लोग आते हैं तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कौन अपने साथ कोविड पॉजिटिव होकर के वायरस साथ लाता है। सुविधाएं बढ़ी है यह सच है, मगर यह भी सच है कि मुंबई जैसी जगहों पर डेल्टा के दो मरीजों की मौत की सूचना है, और वो दो मरीज ऐसे हैं जिन्होंने दोनों वैक्सीन भी ले रखी थी। एक शिकायत ये भी मिली है कि मौजूदा वेरिएंट को आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं पकड़ पा रहा है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, जिस तरीके से केसेस राज्य में बढ़ रहे हैं, जाहिर तौर पर थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही थी, तैयारी क्या है? देखिए, कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें रांची भी शामिल है, यहां पर कोरोना संक्रमण की तादाद पहले के मुकाबले बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। लोग संक्रमित हो रहे हैं लेकिन लोग अस्पतालों में एडमिट नहीं हो रहे हैं। वो हम इसलिए भी कह रहे हैं कि सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से भी मेरी बात थोड़ी देर पहले हुई थी, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ एक पेशेंट एडमिट हुआ है, वो भी एक नॉर्मल सिम्टम के साथ आया है और वो ठीक होकर के जल्दी लौट जाएगा। कोई गंभीर सिम्टम उसको नहीं है, कोई गंभीर अलामत उसको नहीं है। अब सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जो इन पेशेंट्स हैं उनकी तादाद लगातार घट रही है, रांची में भी घट रही है, तमाम जिलों में, कई जिले तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, अब संक्रमित नहीं है वहाँ। तो आखिर ये लोग कौन है जो संक्रमण फैला रहे हैं और ला रहे हैं, और जिनको संक्रमण हो रहा है वो कौन है? तो इसके इंडिकेशन सीधे सीधे रांची के हटिया स्टेशन को जा रहा है, वहाँ से लोग चकमा देकर के निकल जा रहे हैं, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर ले रहे हैं, बाद में टेस्ट भी करा ले रहे हैं तो बाद में मोबाइल स्विच ऑफ कर ले रहे हैं। ये सब सारी बातें रांची सिविल सर्जन के संज्ञान में आई हैं, इसलिए वहाँ पर आरपीएफ से बार बार सहयोग मांगा जा रहा है, जिला प्रशासन से भी बार बार गुहार लगाई जा रही है
कि आप वहाँ हटिया रेलवे स्टेशन पर जीआरपीएफ को सहयोग करने के लिए कहें, क्योंकि जब पैसेंजर्स आते हैं भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, उसको कंट्रोल करने के बजाय किनारे पकड़ लेती है पुलिस आरपीएफ, और इसका फ़ायदा उठा करके सीधे सीधे पैसेंजर बाहर निकल जाते हैं। ये जो पैसेंजर्स हैं यही उनमें से जो लोग टेस्ट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वो अपने अपने घरों में ही अपना इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि होम आइसोलेशन कम्प्लीटली बैंड है। और अगर कहीं किसी को होम आइसोलेशन में रखा गया तो इसका मतलब ये है कि वो कोरोना संक्रमण सोसाइटी में फैलाएगा। लिहाजा इस बात की भी संभावना जताई जा रही है बार बार कि इसी तरह से कोरोना जब भी फैलता है तो इसी तरह से फैलता है, लेकिन फिलहाल जो लोग संक्रमित भी हैं उनके अंदर कोई गंभीर लक्षण मालूम होता है नहीं है, ताकि वो लोग घर ही में ठीक हो जा रहे हैं। अगर कोई गंभीर लक्षण होता है तो वो अस्पताल ज़रूर जाते, क्योंकि ना किसी प्राइवेट अस्पताल में कोई एडमिट हुआ है ना ही कोई सदर अस्पताल में एडमिट हुआ है। लेकिन ये सारे जो बढ़े हुए आंकड़े हैं अलार्मिंग हैं, इन पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है, और ये एक्शन जिला प्रशासन को लेना है आरपीएफ के सहयोग से। आरपीएफ के सहयोग से ही कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि रांची के एयरपोर्ट पे भी ये व्यवस्था है, जो बाहर से आने वालों की जांच होती है वहाँ तो सख्ती बरती जाती है, वहाँ हम लोग बार बार जा कर के देखते भी हैं, लेकिन लगातार शिकायतें हटिया स्टेशन से आ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो जो उम्मीद जताई जा रही है कि जो मुसाफिर है जो बाहर से आना जाना कर रहे हैं उनके वजह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अब लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि लापरवाही बरतने से मुसीबत बढ़ सकती है। तो राज्य में कोरोना के आंकड़े चिंता का विषय नहीं है, इस बारे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। विभाग ने कहा है कि बाहर से आने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है, होम आइसोलेशन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। रिपोर्ट देखें। कोरोना के आंकड़े चिंता का विषय नहीं, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट, बाहर से आने वालों पर है सख्त नजर, होम आइसोलेशन पूरी तरह प्रतिबंधित, अब तक एक मरीज भी नहीं हुआ भर्ती। पिछले 72 घंटों में लगातार रांची और अन्य शहरों में कोविड 19 के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर तो है, मगर रांची सिविल सर्जन इस बढ़ी हुई संख्या को तीसरी लहर का संकेत नहीं मानते। उनका कहना है कि ये संक्रमण बाहर से लेकर लोग आ रहे हैं और ट्रेन से आने वाले लोगों की जांच हो रही है, बढ़ती संख्या के लिए ये जिम्मेदार हैं। नहीं, इसलिए कि जितने केसेज मेरे हॉस्पिटल में एक आदमी एडमिट है अभी, वो एकदम माइनर सिम्टम है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किसी भी संभावना से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए शुरू में ही सावधानी की जरूरत है, और जो भी केसेज आते हैं उनको हम लोग किसी तरह से इंस्टीट्यूशन में भेजें, माइनर भी हैं माइल्ड सिम्टम, घर में नहीं रखें। पिछले 24 घंटे के अंदर सदर अस्पताल में हल्के फुल्के लक्षण के साथ कोरोना पॉजिटिव एक मरीज एडमिट हुआ है। सिविल सर्जन का कहना है कि रेलवे स्टेशन खास करके हटिया रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस के सहयोगात्मक रवैये की वजह से बिना जांच किए हुए प्लेटफॉर्म के बाहर लोग निकल जा रहे हैं। यह वही मरीज हो सकता है जो पॉजिटिव है और रेलवे स्टेशन से निकल कर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। स्टेशन पर या रांची स्टेशन में जो बेंगलोर से साउथ से गाड़ियां आती हैं उनसे डिटेक्ट हो रहा है। तो इसका माने क्या है? इसमें सबसे पहले है कि स्टेशन पर जो हमारी टेस्टिंग टीम है वो तो काम कर रही है, इसमें पुलिस का सहयोग चाहिए कि कोई भी आदमी भागे नहीं, और सबको जो हम लोग का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है वो नहीं हो पा रहा है, उसमें बहुत से लोग जो निकल गए उन्होंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया, तो फिर उसको हम लोग ट्रेस नहीं कर पाते हैं। तो जो भी कुछ होना है स्टेशन के पास ही कड़ाई से हम इसका पालन होना चाहिए कि हम लोग उन केसेस को निकलने नहीं दें। सिविल सर्जन रांची के मुताबिक अब आइसोलेशन में इलाज करवाना दंडनीय अपराध है, इसलिए कोई भी मरीज को अपने घर में रखकर इलाज करने की कोशिश ना करें, उसे सीधे सदर अस्पताल या रिम्स लेकर आएं जहां इलाज की पूरी सुविधा है।
न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।